सावित्री स्वामी, सावित्री स्वामी। देखो वैसे तो तुमने बहुत सारे बोरिंग एड्स देखे होंगे, लेकिन आज जो एड्स देखोगे ना, इनका लॉजिक से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी देख करके तुम ये जरूर बोलोगे कि इन्हें बनाने वालों को एक ऑस्कर तो बनता है। ये कौन सी भाषा है? हमारे देश में ढेर सारे रुपए फूकने के बाद भी लौंडे लिखना पढ़ना ना सीख पा रहे, लेकिन इस लड़की को देखो कि इसने सेकंड्स में तमिल सीखी है। सोचो कैसे, जरा सोचो, मैं बताती हूँ, सीख तो तुम भी जाओगे, बस इसके लिए तुम्हें तुम्हारा पुराना जन्म याद आना चाहिए। सावित्री, लव। ओ भाई, मिल गई इसकी प्रियतमा, मिल गई इसको, मेरी आंख भर आई। स्वामी, सावित्री, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तुम अगर सिंगल हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी एक्स है इस दुनिया में, बस तुम्हें ना अपना पिछला जन्म नहीं याद आ रहा। मत रो बेटा, मत रो। तो क्या करूं? एक साल से यहाँ लेटा हुआ हूँ, बीवी की याद सताती है। ये है मेंटोस जिंदगी, सॉरी जिंदगी नहीं, मेंटोस मौत, क्योंकि ये भूत भाई साहब मरने के साल भर बाद भी इन्हें अपनी बीवी याद आ रही है। कोई बात नहीं, एक दो साल में वो भी आ जाएगी। चल, मैं तुझे पिक्चर दिखा लाता हूँ। इसका गम भुलाने के लिए कि ताऊ इसे फिल्म दिखाने लेके जा रहा है, लेकिन इस नूबड़े को क्या पता कि आगे हाथी सीमेंट की दीवार है। अरे अंकल निकले प्रो और ये नूबड़ा भूत फिर से मर गया। एक मिनट, भूत मर गया? Anyways, the moral of the story is कि अगर भूतों से बचना है तो हाथी सीमेंट लगवाना है। Thank you. देखो वैसे तो एलन मस्क 20 साल से मंगल पे जाने की सोच रहा है, लेकिन आज तक उसका SpaceX ये कर नहीं पाया, इसलिए उसे इस आंटी से मिलना चाहिए जो कि 6 पंखे चला करके रामू काका को स्पेस भेज सकती है, वो भी एक अचार के लिए। तो पक्का 12 पंखे में एलन मस्क को मंगल तो भेज ही सकती है। लेकिन आजकल ये लाइट वाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कब लाइट कट जाए और रामू काका का मंगल हो जाए। हेलो चले, तुम लोग भले ही विमल के चक्कर में अक्षय कुमार को खूब गरियाए हो, लेकिन असली जादू तो महक में ही है। हेलो चले, सिंगल लौंडो के लिए रामबाण, बस तुम्हें दिन भर में जितनी बार हेलो चले, हेलो चले सुनना हो उतने ही महक के पैकेट फाड़ दे बस। हेलो चले। ओके, तो आओ देखते हैं बिना सर पैर का एक और एड। देखो तुम चाहे जितने बड़े भी आइंस्टाइन की औलाद हो, लेकिन तुम गेस नहीं कर पाओगे कि ये लौंडे दीदी के पीछे आखिर पड़े क्यों है। कितना भगाएगी अम्मा, अरे तेरे को कुछ भी करने नहीं आए, वो तेरे हाथ में जो मोबाइल है वो कान से लाए बोल के पूछने के वास्ते आए। भाई जितना देर तुम लोगों ने लड़की का पीछा किया ना, उतनी देर में तो मोबाइल की दुकान नहीं बल्कि तुम उसकी फैक्ट्री में पहुंच जाते। पैसा बर्बाद बहन चोद। चलिए बढ़ते हैं, खत्म, बाय बाय टाटा। कोई बात नहीं, हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में आपसे, और तब तक आप लोग सही सलामत रहेगा। ऑल माय दीदीज एंड उनके भैया लोग, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय, सिया, गुड नाइट, नमस्ते।